नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू. फ्री थिंकर्स, स्वतंत्र लोकम 2016 जो नेशनल सेमिनार है उसमें मुझे बुलाया, इसलिए ये जो आयोजक है केरला फ्री थिंकर्स फोरम, साइंस ट्रस्ट, फ्री थॉट फ्रॉम सोसाइटी, अदर ग्रुप्स, एसेंस, मैं सबकी आभारी हूँ क्योंकि हमारे जेंडर इक्वालिटी आंदोलन का उन्होंने सम्मान रखा और हमें यहाँ पे केरला में जो है वो सेमिनार को बुलाया. धन्यवाद. सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको हिंदी थोड़ा कम समझ में आता होगा, लेकिन मेरी मदर टंग मराठी है, सो थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में भी जो है वो बोलूँगी. लेकिन ये जो स्वतंत्र लोकम 2016 का नेशनल सेमिनार है, मुझे लगता है जो परिवर्तन की लड़ाई है, आप सभी जो लोग सामने बैठे हैं, मुझे लगता है कि जो परिवर्तन लड़ाई को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो मेरे सामने बैठे हैं. और 21वीं सदी में ये परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमने आंदोलन किया उसमें जो है वो बहुत कठिनाई आई, बहुत जो है वो हमने संघर्ष करना पड़ा. लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जो फ्री थिंकर्स सपोर्टर्स थे इसलिए हम ये लड़ाई जो है वो विन कर पाए. इसलिए मुझे लगता है ये सब जो लड़ाई का जो यश है उसके हकदार भी आप सभी भी हैं. तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बात करूँगी, हिंदी प्लस इंग्लिश ये करूँगी. और अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का जो आदेश किया है, मुझे लगता है कि अगर परिवर्तनवादी जो विचार है, जेंडर इक्वालिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, संविधान ने दिया हुआ जो अधिकार है उसके लिए अगर उन्होंने आदेश किया, तो मुझे लगता है कि हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक जो है वो कानून बनाना पड़ेगा. सो मैं सबसे थैंक यू फिर से कहूँगी, क्योंकि केरला में है, हम आने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमारा आंदोलन है, उसके पहले जो है वो हमें प्रोग्राम के लिए आना पड़ा. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. एज एन इंडियन आई विल एंड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फर्म बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1950s, this nation woke up as republic nation. I, as an Indian, I have a strong belief in this constitution, but even after 66 years of independence, I have to fight for women's rights. We have to face a lot oppose from this society. Still, with the help of some supporters, free thinkers, like all of you in society, we fought and we won. That's why we feel very proud of this victory against some so-called defender of religion. Hamari maang yahi thi, jo women's ka hak aur adhikar hai, wo milna chahiye. Jo constitution ne diya hua adhikar hai, wo milna chahiye. Lekin jab hum andolan kar rahe the, तब जो है वो आपने देखा होगा कि धर्म का संबंध जोड़ा गया जो वुमन फाइट्स के बीच में नहीं था. लेकिन कोई भी अगर महिला आगे आती है, कोई आंदोलन करती है, तो उसको पीछे कैसे लिया जाए, उसको उनका चारित्र्य हनन कैसा किया जाए, उनको बदनाम कैसे किया जाए, ऐसा जो है वो प्रयास किया जाता है. और हमें लगा कि हमने जो एग्रेसिवली ये आंदोलन किया और आप सबके जो सब सपोर्टर्स थे, इसलिए जो है वो हमें ये यश भी मिला है. नॉट इवन अ मदर नॉर अ गॉड नेवर डिफर बिटवीन अ हिज और हर चाइल्ड, देन हु आर दिस पीपल टू डिफ्रेंशिएट. ओनली दिस थिंग इन माइंड एंड आई एम हियर अगेंस्ट ऑल इन रिलिवेंट एंड इन अप्रोप्रिएट थिंकिंग स्प्रेड इन दिस सोसाइटी. हमें
ये जो लड़ाई है ये परिवर्तन के यहाँ लेके जानी है, हमें एक नई क्रांति की शुरुआत करनी है, ये नया रेवोल्यूशन है। और इस रेवोल्यूशन में हमें लगता है कि लोग बहुत कम होंगे जो हमारे साथ होंगे, लेकिन जो होंगे वो सच्चे लोग होंगे। और कोई भी जो आंदोलन या लड़ाई करनी पड़ती है, जो रेवोल्यूशन होता है, उसमें जो है वो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, भगवान का साथ, इसलिए मुझे लगता है कि हम जो है वो यशस्वी उसमें हुए हैं, आगे भी होंगे। जस्ट अ स्मॉल इवेंट हेल्ड इन पास्ट ईयर, अ लेडी अनोइंगली एंटर्ड ऑन शनि प्लेटफॉर्म एंड द ट्रस्टीज ऑफ द टेम्पल वॉश्ड आउट द होल टेम्पल विथ मिल्क, saying that temple has become अपवित्र। क्योंकि जब लेडीज भगवान को छूती है तो भगवान अपवित्र हो जाते हैं। भगवान ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, भगवान को जेंट्स हो लेडीज है, सब भक्त जो है वो समान है। लेकिन फिर ये दादागिरी करने वाले कौन है, इसके खिलाफ की हमारी लड़ाई थी। एज अ वुमन आई वॉज डीपली हार्टेड एंड एट दैट सेम मोमेंट I decided to revolt against this meaningless tradition। और फिर हमने आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन को विरोध बहुत हुआ, टू डिफरेंट माइंड सेट, पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ दिस सोसाइटी, बोथ हेल्प मी टू सक्सीड इन ऑल माई एक्टिविटीज फॉर जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि मैं आभार इसलिए मानना चाहूँगी, जिन्होंने सपोर्ट किया वो तो हमारे साथ थे, लेकिन जिन्होंने विरोध किया उसके लिए हम यह आंदोलन यशस्वी कर पाए, क्योंकि उनका विरोध इतना था कि हम एग्रेसिव हुए, हाई कोर्ट को उसकी दखल लेनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को उसकी दखल लेनी पड़ी, और हर एक गवर्नमेंट को भी जो है वो उसकी जो है वो दखल लेनी पड़ी। आई हैव डीप फेथ इन गॉड, सो आई थिंक दैट ओनली द गॉड हैज़ हेल्प मी इन लाइफ थ्रेटन वर्स सिचुएशन एंड दस नॉट ओनली हाई कोर्ट बट ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड अस। हमें लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950s में यह अधिकार दिया है तो वो किसी ने भी हमसे छीन नहीं लेना चाहिए। और बिल्कुल ट्रेडिशन के ऊपर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, और आपने देखा कि इस आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया और ट्रेडिशन जो है वो हार गई। क्योंकि जैसे समाज बदलता है वैसे ही ट्रेडिशन को भी बदलना चाहिए, और ये बदलना इसमें जो एक पुरुषी मानसिकता थी, जो एक मानसिकता हमें बदलनी थी, उसमें थोड़ा सा जो है वो हमें आंदोलन करना पड़ा, हमें रास्ते पे आना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन था इससे जो है वो पूरा देश प्रभावित हुआ, देश के बाहर भी जो है वो जेंडर इक्वालिटी का संदेश गया। और सिर्फ संदेश जाना ये सिर्फ हमें मंजूर नहीं था, जो इम्प्लीमेंटेशन जेंडर इक्वालिटी का था वो होना चाहिए था, और इसके लिए हमारा ये आंदोलन था। आई फील स्पेशल हैप्पीनेस, रीजन इज वुमन एंट्री नॉट ओनली इन शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर, महालक्ष्मी टेम्पल, बट ऑल्सो इन हाजी अली दरगाह इन मुंबई। और जब हाजी अली दरगाह का प्रश्न आया, हाजी अली दरगाह में जब हमने ये आंदोलन करने की शुरुआत की तो मुझे कहा गया आप हिंदू धर्म से हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं, आप ये आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन ये आंदोलन जो था, ये एजिटेशन जो था, ये अन्याय के खिलाफ था, ये अन्याय और अधिकार के खिलाफ था, हमारे आका और अधिकार जो छीन रहे थे उनके खिलाफ था। तो इसमें किसी धर्म का बिल्कुल संबंध नहीं था। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है वो हमारे भाई है। तो कहीं ना कहीं जब आंदोलन हमने दरगाह में किया तब भी धर्म का संबंध जोड़ा गया, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का संबंध जोड़ने से अच्छा है कि ये जब महिलाओं की लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई रहनी चाहिए, इसमें ना किसी धर्म का संबंध है। हमने कभी भी किसी धर्म को विरोध नहीं किया, हम कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे और कभी भी किसी ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो गलत ट्रेडिशन है उसके खिलाफ ज़रूर थे और उसके खिलाफ आगे भी हम रहेंगे। और
शनि शिंगणापुर में आपने देखा होगा कि जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वो 400 ईयर्स का था। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो जो विरोध हुआ, जब आंदोलन शुरू हुआ, बहुत लोगों ने हमें रोका था। उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन मत करिए, आपको और 400 ईयर्स भी आप एजिटेशन करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हमें जो एक विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो विल पावर जो है वो हमारी सभी जो कार्यकर्ता है उनकी स्ट्रांग थी। कुछ भी होना पड़े, अगर हमें, हमने तो मतलब हाजी अली दरगाह का जब आंदोलन था, शनि शिंगणापुर का था, तब बहुत सारे थ्रेटन्स, धमकियाँ, हमले हुए थे। तब हमने कहा था कि हमारी जान भी जाएगी तो ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई पीछे नहीं होगी, हम हमारी जान देंगे, लेकिन हम जो है वो ये आंदोलन चालू रखेंगे। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो है वो सभी जगह जो है उसको सम्मान दिया गया। सभी आम जनता, विरोध करने वाले जो लोग थे वो बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने विरोध ऐसा किया कि हमारी जो दखल है वो इंटरनेशनल लेवल तक लेनी पड़ी। आई स्पेशली थैंक्स टू ऑल दोज ट्रस्टीज हु रिस्पेक्ट आवर मूवमेंट एंड कोर्ट्स वर्डिक्ट एंड स्टार्टेड वुमन्स एंट्री इन रिलीजियस प्लेसेस। बट देर आर स्टिल सम रिलीजियस प्लेसेस वेयर वुमन्स आर बैंड। वी आर स्ट्रांगली अगेंस्ट देम एंड विल फाइट फॉर इट विल इट टिल आई एम अलाइव। क्योंकि यह आंदोलन करना, इसका, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश होती है, और हर बार धमकियाँ दी जाती है कि आपको ख़त्म करेंगे। मैं जब अभी शबरीमाला का आंदोलन कर रही हूँ, आप सोशल मीडिया पर मेरा फेसबुक अकाउंट या कुछ भी देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि यू डोंट कम शबरीमाला, यू गो टू हॉस्पिटल, एंड आप जो है वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम भगवान के मंदिर में आंदोलन करने आ रहे हैं, तो हमें आप अगर मारेंगे तो ये भगवान के मंदिर का आंदोलन नहीं होगा। ये जो विरोध है, भगवान जो है वो, मुझे लगता है कि भगवान को खुद जो है ये ट्रेडिशन मंजूर नहीं है। आप जब केरला में आते हैं, आज तो हम पायनूर में हैं, पायनूर में भी बहुत सारे अयप्पा स्वामी के मंदिर होंगे। अभी जब मैं इस रोड से आ रही थी तो सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके ब्रदर है, उनका मंदिर है, वहाँ पर महिला ही वुमन्स को एंट्री है। बाकी सभी जगह जो अयप्पा स्वामी के जो टेम्पल्स है, सभी टेम्पल्स, ऑल टेम्पल्स, वहाँ पे महिलाओं को एंट्री। हमारे पुणे में भी बहुत सारे टेम्पल्स है, लेकिन शबरीमाला में नहीं। वैसे ही सेम शनि शिंगणापुर में हुआ था, सभी जगह जो हनुमान जी के मंदिर है, शनि के मंदिर है, वहाँ पे महिलाएं तेल चढ़ाती है, वहाँ पे महिलाएं जाती है, लेकिन सिर्फ शनि शिंगणापुर में ऐसा क्या था जहाँ पे पाबंदी थी? तो ये कहीं ना कहीं एक पुरुषी मानसिकता थी, और महिलाओं को जो एक दुय्यम स्थान देने की कोशिश है, जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं ये धर्म के ठेकेदार जो है वो आगे लाना चाहते थे, और उसको विरोध करने का जो प्रयास, अभी आप इस आंदोलन में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएँ विरोध कर रही, वुमन्स हमें जो है वो अपोज कर रही है। ये वुमन्स बिल्कुल अपोज नहीं कर रही है, ये जो ट्रस्टी होते हैं इनके जो नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कहीं ना कहीं ये महिला ना तोड़े, इसलिए हमारे घर की महिलाओं को इनके अपोजिशन में खड़े कर देते हैं, ये इनका विचार होता है। इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि आप जैसे जो फ्री थिंकर्स और आप जैसे ये जो सर्वसामान्य जनता, मैं कल रात से यहाँ पे पायनूर में हूँ, हर कोई मिला है कि मैम हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो हमारे साथ है। और मुझे लगता है ये जनता के लिए आंदोलन है, ना किसी धर्म के ठेकेदारों के लिए आंदोलन है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन शुरुआत भगवान से हुई। क्योंकि अगर भगवान का जन्म जो है वो माँ की कोख से होता है, अगर माँ की कोख से भगवान का जन्म होता है, सबका जन्म होता है, तो माँ के प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं को जो है वो विरोध करने वाले आप लोग कौन हैं? और आपने बिल्कुल ये विरोध नहीं करना चाहिए, महिलाओं को अपवित्र नहीं ठहराना चाहिए, महिलाओं को जो है वो दुय्यम स्थान नहीं देना चाहिए। और फिर उसके बाद हाजी अली दरगाह का आंदोलन यशस्वी हुआ, उसमें भी बहुत कहा गया था। जब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद में हमने ट्रस्टियों से विनती की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आदर करें, लेकिन
उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अरे महिलाएं नहीं जीत पा रही है, ये बिल्कुल हार और जीत की लड़ाई नहीं थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनका जो ईगो प्रॉब्लम था कि हमारे नॉर्म्स एंड कंडीशन हार रहे हैं और जो है वो वुमेंस जो है वो कहीं ना कहीं उनकी विक्ट्री हो रही है। लेकिन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आदर करने के लिए कहा। तो हमें लगता है कि ये आंदोलन, अभी तो शबरीमाला मंदिर में तो हम जनवरी में आने ही वाले हैं, लेकिन हम आने से पहले अगर ट्रस्टियों को विनती की और उन्हें उन्होंने अगर महिलाओं के लिए दरवाजे खुले किए तो उन ट्रस्टियों का और अयप्पा स्वामी मंदिर का नाम बड़ा होगा, हमें आंदोलन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन जो एक सोच है वो ऐसी है, जो बहुत छोटी सोच है, जिससे ये लोग जो है वो चल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे, आप अगर केरला में भी आएंगे तो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसी धमकियों से बिल्कुल डरते नहीं है, हमें जो है वो मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद, भगवान की ताकत, शायद कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है कि जो भगवान की इच्छा है कि वो मेरे माध्यम से जो है, मतलब मैं भगवान की शायद एडवोकेट रहूँगी क्योंकि उन मेरे माध्यम से जो है वो ये काम कर रहे हैं और उसकी उतनी ताकत भी मुझे दे रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा कि नासिक में मेरे गाड़ी पर जब हमला हुआ था, कोल्हापुर में जब महालक्ष्मी टेम्पल में जो इनर सैंक्टम में जो एंट्री का हमने प्रयास किया था तब मैं आईसीयू में थी, बहुत बड़े हमले हमारे ऊपर हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमले हुए तब बहुत लोगों ने कहा था कि भगवान का ही जो है वो श्राप इनको मिला है, भगवान का जो है वो प्रकोप इन पर हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जब सब डिसीजंस आए तो भगवान का आशीर्वाद किसे मिला, भगवान किसके साथ थे, ये पूरी जनता ने जो है वो देखा है। और अभी जो अयप्पा स्वामी मंदिर है जो शबरीमाला का, वुमन ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल। दिस इज रेडिकुलस थॉट। इज दिस अ मॉडर्न इंडिया? नो, क्योंकि मंदिर में आप अपवित्र कह रहे हैं। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड महिलाओं को आता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस को आप जो है वो ठुकराने वाले है कौन, और इसके विरोध में, और महिलाएं बिल्कुल अपवित्र नहीं है। जब माँ के कोख में जब बच्चा आता है उसके बाद जब वो ब्लीडिंग से जब वो बाहर आता है तो वो सन हो या गर्ल हो, गर्ल चाइल्ड हो, वो अपवित्र नहीं होता, लेकिन जो माँ है वो अपवित्र है, ये कैसे? तो ये बिल्कुल भगवान ने कभी न्याय दिया नहीं है। किसी भी वेद उपनिषद में जो है वो इसका जो है वो बिल्कुल उल्लेख तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदार खुद को कहने वाले, मुझे लगता है धर्म में भी महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, तो भगवान जो धर्म का जो ये नॉर्म्स है, कंडीशंस है, वो भी कहीं ना कहीं तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। और खुद भगवान का ही अपमान होगा जब भक्तों में भेदभाव किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पे भक्तों में भेदभाव किया जाता है वो हर किसी भी धर्म के मंदिर में हो वो बिल्कुल गलत है। और सिर्फ समानता ही नहीं, बहुत जगह तो वर्ण भेद किया जाता है कि हम बहुत अच्छे खानदान से, ये जो है वो दलित लोग हैं, इनको मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो वर्ण भेद के खिलाफ की भी जो लड़ाई है, मुझे लगता है 21वीं सदी में हम जो है वो कंधों से कंधा मिलाकर सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो भेदभाव कहीं भी नहीं होना चाहिए। सो भूमाता ब्रिगेड इज फर्म्ड ऑन डिमांड ऑफ वुमन सेल्फ रिस्पेक्ट, हर सेल्फ डिफेंस एंड डिग्निटी। वी होप हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला will surely help and will support us in our movement. क्योंकि जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो ये जनता के लिए कर रहे हैं। सीएम जो होते हैं वो भी जनता से ही चुनकर आते हैं, जनता के लिए रहते हैं, और जब हम ये आंदोलन कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वहाँ पे एफिडेविट भी दिया है कि हम वुमेंस एंट्री के खिलाफ नहीं है, वहाँ पे महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करते हैं। लेकिन जब जनवरी में हम आंदोलन के लिए आएंगे, आप सब तो हमारे सपोर्टर्स है, सब जनता हमारी सपोर्टर्स है, लेकिन जो कुछ थोड़े से लोग जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन समझाया
तो मुझे लगता है शबरीमला टेम्पल के भी जो द्वार हैं वो सभी एज की महिलाओं के लिए खुले होंगे। और मैं सबसे जो है वो उम्मीद भी करती हूँ, केरला के तो हमने जो सुना है, केरला के लोग तो अच्छे हैं लेकिन सब एजुकेटेड लोग हैं, और एजुकेटेड लोगों ने विरोध करना मुझे लगता है कि इस स्टेट में जो है वो बिल्कुल गलत होगा। जो और जो विरोध कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है, भगवान पता नहीं है। जो खुद को भगवान के भक्त कर रहे हैं, आज हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त होकर अगर हमें वहाँ पे आप वहाँ पे जा सकते हैं तो हमें नहीं छोड़ा जाता है, तो ये बिल्कुल जो है ये गलत ट्रेडिशन है। ये किसी भी वेद उपनिषद कोई भी जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा नहीं है। धर्म ने कभी किसी महिलाओं को दुय्यम स्थान नहीं दिया है, हर बार नारी को जो है वो श्रेष्ठ दर्जा धर्म और भगवान ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत सोच है वो किसी समाज के जो लोग हैं, जो कम सोच करने वाले लोग हैं, उन्होंने आगे लाई है। हमें उनसे विनती करनी है कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, आप उनका जैसे आदर करते हैं वैसे ही सभी महिलाओं का, बाहर के महिलाओं का, आपके बहन हो, आपकी माँ हो, सबका जो है वो आदर करना चाहिए। और आपने ये डिसीजन लेना चाहिए, और ये जब डिसीजन होगा जेंडर इक्वालिटी तो आएगी, लेकिन मुझे लगता है अयप्पा स्वामी खुद खुश होंगे, सबसे हैप्पी होंगे तो अयप्पा स्वामी होंगे, क्योंकि उनके मंदिर में जो है वो ये भेदभाव किया जा रहा है। और बिल्कुल भगवान जो है वो कहीं ना कहीं आज भगवान जो है वो मूर्ति स्वरूप में है, वो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। तो भगवान अगर बोल नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान बोल नहीं पाते उसका अगर संबंध उनका अगर कुछ ये करके आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं और वो जो अगर गलत बोल रहे हैं, गलत ट्रेडिशन दे रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये जो 21वीं सदी में जो महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर जो काम कर रही है उनके खिलाफ है, महिलाओं का जो हक और अधिकार है उनके खिलाफ है, और ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। हम रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और मुझे लगता है कि जैसे पहले हमारा आंदोलन यशस्वी हुए है वैसे ही शबरीमाला का आंदोलन भी यशस्वी होने से हमें बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने सुना थोड़ा शायद हिंदी में स्पीच जो है वो आपको समझा नहीं होगा, लेकिन मैं भी मराठी मीडियम स्टूडेंट हूँ, खूब बहुत इंग्लिश या कुछ गलत बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप सब यहाँ पर आए, मुझे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया, हमारा जो जेंडर इक्वालिटी का आंदोलन है जो पहले से शुरू है उसका जो है वो उन्होंने सम्मान किया, और यहाँ पे बुलाकर जो है हमारे इस केरला के आंदोलन की, मुझे लगता है कि जब आंदोलन करने हम आएंगे तब तो हम जब यहाँ पे भी आ रहे थे तो अगर पूना की पुलिस हो या यहाँ की पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो आप यहाँ पे आएंगे तो क्रिएट होगा ऐसे बोल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा नहीं करते। जो लोग विरोध करते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा करते हैं। तो जब हम आंदोलन को आएंगे हम बिल्कुल शांति के मार्ग से आएंगे, हम जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से आएंगे। अगर कोई विरोध करेगा तो बिल्कुल हम उनको गुलाब का फूल हाथ में देंगे, लेकिन हमें वहाँ पे गर्भगृह में जाने के लिए आप इजाज़त दीजिए, ऐसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो आपको पता है कि महिलाओं को उनका हक और अधिकार छीनने के लिए जो है वो आक्रामक होना पड़ता है, एग्रेसिवली आगे आना पड़ता है। इसलिए मैं फिर से एक बार केरला की सब जनता से और चीफ मिनिस्टर को और सभी वहाँ के मिनिस्टर, किसी लास्ट वीक में शायद मुझे उनका नाम पता नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर ने कहा कि तृप्ति देसाई आप शबरीमला ना आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमें कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मुझे उन मिनिस्टर से कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमसे नहीं है, जो वहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आदर नहीं कर रहे, जो भगवान के मंदिर में भेदभाव कर रहे हैं वो पैदा कर रहे हैं, तो हमसे हमारे ऊपर बिल्कुल कार्रवाई न करें। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कर रहे हैं
उनको विरोध कर रहे हैं, और ये जो वुमेन्स की फाइट है उनको सपोर्ट करके आप जो है वो नया अगर आदर्श केरला में करेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पे सीपीएम की मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट है, और जब हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार होती है तब हम कहते हैं कि परिवर्तनवादी लोग की गवर्नमेंट हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अब आपके यहाँ पे वो गवर्नमेंट है तो मुझे लगता है कि विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो लोग हैं वो सब परिवर्तन और डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है वो अगर अच्छा सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि अगले महीने में ही शबरीमाला के द्वार भी जो है वो महिलाओं के खुले होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अलग निर्णय नहीं देगा, जो हाजी अली में हुआ, जो शनि सिंगणापुर में सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, वही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आदर और सम्मान लेकर जो है वो शबरीमाला का भी निर्णय आएगा। लेकिन ट्रस्टियों से मेरा कहना है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट ना करें, आपने जो है वो आगे आकर महिलाओं के लिए अगर कदम उठाया तो आपको बहुत अच्छा जो है वो आदर्श होगा। हम उनका सत्कार करेंगे, उन्होंने अगर वुमेन्स को मंदिर में हमने आने से पहले एंट्री दी तो, लेकिन मुझे लगता है ये होगा नहीं होगा, लेकिन शबरीमाला का आंदोलन जनवरी में होगा, करेंगे। आपका सबका आशीर्वाद हमारे साथ था, है और रहेगा, और आपका आशीर्वाद था इसलिए ये आंदोलन सिर्फ तृप्ति देसाई की देसाई का नहीं था, ये सिर्फ वुमेन्स का नहीं था, लेकिन ये सभी का जो है वो जेंडर इक्वालिटी का आंदोलन था, और सभी आपके जैसे लोगों ने सपोर्ट किया, आपके सबके आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये आंदोलन यशस्वी भी हुआ। आपने इतनी देर मुझे सुना, इसका इनॉग्रेशन मुझे करने का सम्मान जो है वो ऑर्गेनाइजर्स ने दिया, फिर से एक बार मैं सबकी आभारी हूँ। और जाते जाते इतना कहूँगी, स्टेज पर भी बहुत सारे मान्यवर है, वो भी जेंडर इक्वालिटी के लिए आए, जोहरा मैम है, के आर इंदिरा मैम है, सुल्फत जी है, मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए और उनके स्पीच के लिए महिलाओं को स्टेज पर अधिकार दिया है, ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इसके ऊपर क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि यही परिवर्तन है, यही नई सोच है, और ये नई सोच लेकर इस नेशनल सेमिनार में फ्री थिंकर्स जो ये सम्मेलन है ये लेकर जा रहे हैं, और ये परिवर्तन विचार सब लेके जाएंगे। इनका भी जो है वो अभी स्पीच होगा, मुझे भी सुनना है, शायद कुछ समझा नहीं समझा मैं एडजस्ट करूँगी, लेकिन आप यहाँ पे सब आए, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग, मैं छोटी हूँ आप सबसे, इसलिए आप सब संभाल लेंगे इस, और आपने केरला में जो ये नेशनल सेमिनार रखा है, फिर से एक बार ये परिवर्तन जो साइंस और फ्री थॉट का सम्मेलन है उनको मैं सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे जो सेमिनार है वो हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुए, तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने में सिर्फ हमारे लोग हैं उसमें और हज़ारों लाखों लोग जो है वो जुड़ पाएंगे। जाते जाते इतना ही कहूँगी, अगर कोई काम करना है, अगर कोई एजिटेशन करना है, तो अपने विल पावर स्ट्रांग रखेंगे तो विरोध कितना भी होगा तो जीत हमारी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद।